देखिए, क्लास 10th के चैप्टर 4 का जो एग्जांपल 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x+3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स को फाइंड करना है, यानी जो इसमें एक्स आ रहा है उस एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले जब इसके सॉल्यूशन में हम चलेंगे, तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x² - 5x+3 = 0। ठीक, अब देखिए हमें ये मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, और जिस इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है वहाँ से उसके उतने ही रूट्स पॉसिबल होते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ से जो एक्स की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो 2 वैल्यूज़ निकलेगी, यानी कि 2 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, अगर वो इक्वेशन 3 टर्म्स में होती है, तो क्या करते हैं उसके रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले x² के साथ में जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है। कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसके साथ एक्स नहीं होता, जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी प्लस का था 2 और 3 भी प्लस का था, तो 2 3 + +6 आ जाएंगे। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है प्लस में तो हम देखते हैं सम, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आती माइनस में तो हम देखते हैं डिफरेंस। अब ये सम और डिफरेंस कहाँ पर देखना है? अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिला था और 6 मिला था प्लस का, तो अब ये जो 6 मिला है, 6 को ऐसे दो नंबर्स में हम तोड़ेंगे, 6 को ऐसे दो नंबर्स में हम तोड़ेंगे जिनका सम x के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो हो। 6 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका सम 5 हो। तो अब अगर हम बात करते हैं 3 और इंटू 2 की, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और 3 और 2 को हम अगर ऐड करते हैं, इनका सम करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे काम के हैं। अब यहाँ पर 2x² आप ऐसे रखो, माइनस 5 की जगह आप 3 + 2 रखेंगे, तो 3 + 2 और इंटू में एक्स। देखिए क्वेश्चन यही है बिल्कुल, प्लस में 3 कैसे, 2x² ऐसे लिखा, माइनस ऐसे लिखा, 5 की जगह 3 + 2 लिखा, जोड़ेंगे 5 ही तो आएगा, इंटू में x+3 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट जब ओपन करते हैं, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, और ये इस एक्स की भी मल्टीप्लाई इन दोनों से होते हुए आएगी जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो एक्स की 3 से होगी तो 3x आ जाएगा, -3x ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस और 2 और एक्स, और यहाँ पर +3 और = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब पहले इन दो में कॉमन देखते हैं और फिर इन दो में कॉमन देखते हैं। जब इन दो में कॉमन देखेंगे तो नंबर्स में सबसे पहले कॉमन देखते हैं, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, 1 शुरू में हम लिखते नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों में 1 कॉमन आएगा तो उसको नहीं लेंगे लिखेंगे, अगर इन दोनों में आएगा 1 कॉमन तो लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं होता है, 1 कॉमन होता है, 1 लिखते नहीं है शुरू में। x² और x में कॉमन क्या होगा, x होगा, कॉमन वो होता है जो दोनों में हो और कम वाला हो, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x है तो x कॉमन है। अब जो कॉमन आ जाता है उससे डिवाइड करते हुए अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 तो ऐसे ही रहेगा, x² में से 1x बाहर आ गया तो अंदर x बचेगा, -3x में से 3 तो यहीं पर रहेगा, x बाहर आ चुका था, माइनस। अब 2 और 3 में कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन होगा, तो 1 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। जब यहाँ पर 1 कॉमन होता है तो जो जैसा होता है उसको ऐसे के ऐसे ही को लिख देते हैं, 2x था यहाँ पर तो 2x इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ वाला साइन चेंज करके लिखते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ वाला साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होता तो यहाँ पर प्लस कर देते, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 की 3 में डिवाइड, 3 टाइम जाएगी = 0। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएंगे, अगर क्वेश्चन हम इस तरह का सॉल्व कर रहे हैं और ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे मिले हैं तो हमारा ऊपर से सब कुछ सही है, अगर इन दोनों में जो है चेंजिंग आ रही है, दोनों एक जैसे नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऊपर गलती हमारी हो गई है। ठीक है, इस चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं। तो एक
जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, यानी उसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पर 2x-3 जो दोनों में आ रहा है उसको, और फिर जो यहाँ पर जो बाहर बाहर वाले हैं एक ब्रैकेट में इसको और इसको लेकर के लिख देंगे, यानी कि x-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो 2x और -3 है इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, और ये जो x-1 है इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 ये इसके अपॉन में चला जाएगा, 2 आ जाएगा। x की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। जब आप यहाँ से देखेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 3/2 और -1। ये जो x की वैल्यूज़ हैं यही रूट्स कहलाते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्लास 10th के चैप्टर 4 का जो एग्जाम्पल 4 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है 6x² - x और -2 इज इक्वल टू 0। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल 1 में किया था सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 3 टर्म्स में है और हमें इसके रूट्स को फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म्स में होती है तो हम क्या करते हैं, x² के साथ में जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है, -2। तो अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस में आएगी मल्टीप्लाई, 6 × 2 = कितने आ जाएंगे, 12। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आई है माइनस में तो हम क्या देखेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है प्लस में तो हम देखते हैं सम। तो अब यहाँ पर माइनस में आई है तो डिफरेंस देखेंगे। अब देखो 12 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस एक्स के साथ में जो नंबर लिखा हो वो हो। यहाँ पर एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 12 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं, 12 को ऐसे दो नंबर्स में हमें तोड़ना है जिनका डिफरेंस एक्स के साथ में 1 लिखा हुआ है, तो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो अगर हम बात करते हैं 4 और 3 की, तो 4 × 3 = 12 होते हैं, और 4 में से 3 जाता है अगर तो कितना आ जाता है हमारे पास, 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे काम की है। तो ये 6x² को आप ऐसे ही रखें, माइनस x जो है x की जगह x के साथ में आप क्या रखेंगे, 4 - 3 रखेंगे, और इनटू में ये x आ जाएगा, और -2 = 0। देखो ये क्वेश्चन, ये लाइन यही है बिल्कुल, बस यहाँ पर हमने क्या किया है, जहाँ पर x था वहाँ पर x के साथ 1 लिखा हुआ था, वहाँ पर हमने यहाँ पर नीचे x के साथ 4 - 3 लिख लिया, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा तो 1 ही ना, ठीक है। मगर हमने यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जो है एक स्टेप लगा लिया है जिससे अब हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट जब ओपन करते हैं ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -4x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस -3 है तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, +3 के साथ कितना आ जाएगा, x, और ये आ जाएगा -2 = में कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 0। अब क्या करेंगे हम, अब पहले इन दो में कॉमन देखेंगे फिर इन दो में कॉमन देखेंगे। जब इन दो में हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन कौन सा होता है, सबसे पहले नंबर्स में देखते हैं तो 6 और 4 में कॉमन क्या होगा, 2। कॉमन वो होता है नंबर्स में जो दोनों को काट सकता हो, तो 2 दोनों को काट सकता है तो 2 कॉमन है। x² x में कॉमन वो होगा जिसकी पावर कम होगी, तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x^1 है, जिसकी कुछ पावर नहीं होती वहाँ पर 1 होती है। तो ये जो x है यहाँ पर x कॉमन है, जो यहाँ पर ये 2x आया है इसकी हम इसको डिवाइड करते हुए यहाँ पर अंदर लिखेंगे, तो 2x की डिवाइड, जब 2 की डिवाइड 6 में देंगे तो 3 टाइम जाएगी, x² 2 में से 1 बाहर आ गई तो अंदर 1x बचा, माइनस 2 की डिवाइड 4 में 2 टाइम जाएगी, x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर 3x-2 आया। अब प्लस, अब 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 2 में 1 कॉमन होगा, यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है तो x तो कॉमन है ही नहीं। अब तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब जब 1 कॉमन होता है तो जो जैसा होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, तो 1 की डिवाइड 3x में 3x टाइम जाएगी, तो जब 1 बाहर आए तो उसको ऐसे लिख दो, और माइनस, और ये 2 आ जाएगा = 0। यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ का साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस होता तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता, जैसे पिछले एग्जांपल 3 में हमने किया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दोनों में एक जैसा ब्रैकेट आ गया है, और मैंने बताया था एग्जांपल 3 में कि जब दोनों में एक जैसा ब्रैकेट आ जाए तो समझ जाइए कि हमारा जो है सब कुछ क्वेश्चन सारा का सारा सही है। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं आ रहे हैं ये, तो कुछ ना कुछ हमसे ऊपर गलती हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है
उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो एक बार तो उसको लिख लेंगे, और एक बार जो एक दूसरे ब्रैकेट में जो ये बाकी जो बाहर बाहर वाले हैं इनको लिख लेंगे, ये 2x और प्लस 1, यहाँ से 2x, यहाँ से प्लस 1, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे हम, ये जो 3x माइनस 2 है इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, और ये जो 2x प्लस 1 है इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से हम 3x ऐसी रखेंगे, 2 इधर लेकर के आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो इधर आकर के माइनस 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, x इज इक्वल टू आ चुका है 2/3 और कॉमा -1/2, और यही हमारे पास क्या है, यही होते हैं इसके रूट्स, ये इसका आंसर है।